यू एस बी आर एल प्रोजेक्ट के तहत कटरा बनिहाल के बीच में रेल प्रोजेक्ट पर जोरदार तरीके से काम चल रहा है इस रेल प्रोजेक्ट पर इरकान इंटरनेशनल भी काम कर रही है एक बड़े सेक्शन पर काम कर रही है और इरकान इंटरनेशनल के चीफ जनरल मैनेजर ए के अग्रवाल जी हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं अग्रवाल जी आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है नमस्कार सर अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें खासतौर पर जो हिस्सा आपके पास है वो कितना क्रिटिकल है कितना कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने आ रही हैं देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है और ये पी के द्वारा मोनिटर्ड प्रोजेक्ट है और इस पर इस समय हमारी टीम दिन रात तरीके से चौबीसों घंटे इस पर काम कर रही है ये टोटल जो सेक्शन है ये एक लगभग 111 किलोमीटर का सेक्शन है जिसमें कौन इंटरनेशनल लगभग चौवन किलोमीटर पे काम कर रहा है और अभी हमने रिसेंटली जो सबसे बड़ी जो टनल है ट्रांसपोर्टेशन टनल अभी हम लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है और उस पर भी पूरी तरीके से काम कर रहा है और हम लोगों की कोशिश है इस काम को तय सीमा पर जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके सर जब सुरंग की बात आती है तो खास तौर पर अगर हम देखें तो कोंकण रेलवे का नाम आता है आप लोगों ने भी जबरदस्त काम किया हुआ है तो यहाँ जो सुरंगें बन रही हैं ख़ासतौर पर हिमालय का ये इलाका कहा जाता है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं और जियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है तो किस तरीके से आप उससे उसको टैकल कर रहे हैं Uh, मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो टनल्स हैं ये हमले बिल्कुल यंग माउंटेन से पास हो रही हैं और बहुत ही फ्रेगमेंटेड जियोलॉजी है हमारे यहाँ पे और जब भी हम इसमें कार्य करते हैं तो हमें कई तरीके चैलेंजेस इसमें मिलते हैं कई बार हमें जो है बहुत वीक जियोलॉजी से पास होना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी वर्क प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है और कैविटी वगैरह भी फॉर्म्स होती हैं पानी की काफ़ी जो है इसमें से अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी आता है जिससे हमारे को बहुत नए नए चैलेंजेस प्रतिदिन मिलते हैं और इसको मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरी तरह इस जे एंड के लिए और पूरे देश के लिए एक गर्व की बात होगी कि ये यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से बून है ये ये यहाँ की सोशल इकनॉमिक कंडीशन को लोगों की बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा सर जैसे टनल फोर्टीन की अगर हम बात करें तो मैं उसमें जब गया तो ढेर सारा पानी आ रहा था जगह जगह पर जो ऐसा लग रहा था जैसे झरनों के आसपास खड़े हों तो इसको जो पानी निकल रहा है उसको किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं देखिए इसके लिए हम लोग आ, कई तरीके के रीज़न है कई कई तरीके के हमारे तरीके अपनाते हैं जैसे हम लोग इसके लिए लगातार डी करते हैं हम इसमें इसमें हम अलग अलग एक स्पेसिफिक इंटरवल पे एक संप बना उसमें हम लोग जो है पंप लगाते हैं क्योंकि जैसे जैसे लेंथ हमारी बढ़ती रहती है वैसे वैसे एक ही पंप्स के थ्रू उसको बाहर पानी को निकालना डिवॉटर करना पॉसिबल नहीं होता और इसके लिए एक बहुत ही लॉबरेट अरेंजमेंट होता है एक डिटेल हम वाटर डि प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से हम उस पर कार्य करते हैं सर सबसे लंबी सुरंग आपके हिस्से में है आपने उसको आर पार भी चले गए आप उसके तो जो सबसे लंबी जब सुरंग आपने शुरुआत की थी तो आपको क्या लग रहा था इसमें क्या क्या मिलेगा और किस तरीके से चैलेंजेज आए आपके सामने देखिए इस प्रोजेक्ट में काम करना एक गर्व की बात है और जब हम लोगों ने इस सबसे बड़ी लंबी सुरंग को जब ब्रेक थ्रू किया जिसे आर पार आपने कहा है वो एक गर्व की अनुभूति होती है कि और इतनी स्टेट ऑफ आर्ट के साथ में इसके सर्वे के साथ में हम लोगों ने सो किया कि हमें इसमें बिल्कुल जीरो ज़ीरो अलाइनमेंट मिला हमें इसमें और हमारा जो है इसमें इस पूरे कार्य में जो है इतने बड़े बड़े चैलेंजेस बीच में आए बीच में कभी हमें कैविटी आती थी कभी डिफॉर्मेशन्स आ जाते थे और उसको बहुत हमने टेक्निकली एंड कार्य क्षमता के हिसाब से उन सब चीज़ों को बहुत हम लोगों ने उसको टैकल किया और आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम आ, सबसे बड़ी टनल को हम ब्रेक थ्रू कर पाए और उस पर कार्य और आगे का जो भी बचा हुआ है वो पूरी तरह से कर रहा है सर जिस इलाके में हम खड़े हों संगलदान है संगलदान में मैंने देखा कि एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं पहाड़ पे बराबर जगह मिलना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और आपने वो पूरी जगह मैनेज की तो जब पूरा पहाड़ काटा और सारी चीज़ें हैं तो इन्वायरमेंट को लेकर भी तमाम चीज़ें आपके सामने आई होंगी जी हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा इसमें हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकारी हैं उन लोगों का हमें लगातार जो है सहयोग मिला हमने हर काम जो यहाँ पे किया है देखिए ये स्टेशन को इतने छोटे से इलाके में डेवलप करना उसमें इस्पेशली पहाड़ी इलाके में डेवलप करना पूरे एरिया को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसके लिए जो इकोलॉजी में डिफरेंस आया जो हमें क्लियरेंस लेने थे हमने लगातार वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में उनके साथ हमने लिए हैं और उसको जो है काम को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं सर अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें खासतौर पर जो आपका हिस्सा है तो उसमें ट्रेन जो है किस स्पीड से चलेगी आ, ये जो ट्रेन का जो हम लोगों ने करा है ये हंड्रेड के एम पी एच के लिए के प्लान किया हुआ है ये और जो स्पीड हमने जो कर रही है वो एक सौ दस की सौ के हिसाब से हम इसको चलाएंगे सौ हंड्रेड के एम पी एच की हंड्रेड के एम पी एच की स्पीड से चलेगी सर एक और यहाँ पर, पर चैलेंज मैं देख रहा था जगह जगह लैंड है लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर अप्रोच रोड एक बड़े लेवल पे डेवलप की है तो जब अप्रोच रोड आपने डेवलप की उससे जुड़ी हुई प्रधानमंत्री सड़क योजना भी एक तरीके से कार्यान्वित हो गई जगह जगह लोगों ने अपने रास्ते बना लिए और उसके बाद भी लोगों को लगता है कि रोड अभी और चाहिए क्या कहेंगे इस विषय में मैं आपको बताते हुए गर्व के साथ बहुत अनुभूति होती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग जो हमारा जो रेलवे सिस्टम के साथ में हमने लगभग 200 किलोमीटर की प्रोजेक्ट रोड को डेवलप किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट रोड ने जो हमारे जो दूर दूर के गांव थे जो अभी तक कनेक्टेड नहीं थे उनको कनेक्ट किया है और आज जो हमारे भाई जो इस जे की के जो भाई हैं वो लोग भाई और बहने जो पैदल जाते थे बड़े बड़े पहाड़ियों को नीचे करके आज उनके पास में वहकुलर मूवमेंट के लिए भी जो है ट्रैफिक रोड अवेलेबल है तो ये एक उनके लिए सोशल एक्नॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो और बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अब आप देखेंगे जो हमने जो रोड डेवलप किया है ओवर द टाइम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कभी किसी वजह से अगर एन हमारा जो है बंद होता है तो ये पहला लोड हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने दूसरे पर स्ट्रैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर अगर हम और जगहों की बात करें तो खास तौर पर धर्म का जिक्र करना चाहेंगे धर्म में जब मैं वहाँ गया तो देखा एक पहाड़ी नाला है जो बड़ी तेज़ी से और जगह बहुत कम है जहाँ पर आपका एक ब्रिज बना और काम कर रहे हैं धर्म में किस तरीके से चैलेंज आए किस तरीके के धर्म संकट पैदा हुआ जी देखिए एक धर्म के लिए भी अब हमने एक आगे आगे गुल एक जगह है उससे पहले से एक ये धर्म के लिए हमने एक स्पेशल रोड लगभग करीब जो है पंद्रह किलोमीटर की रोड हम लोगों ने वहाँ डेवलप किया उसमें रोड को काट के पूरे पहाड़ों को काट के जो है हम लोगों ने जो है इस रोड को डेवलप किया वहाँ तक पहुँचे हम बीच में कई हमारे वैली ब्रिज हम लोगों ने बनाए हैं और जो आपने कहा बिल्कुल सच सच कहा कि उस पर इतना टी डी एस ट्रेचरस सेक्शन था वहाँ पे लगातार पत्थर गिरते रहते हैं जब भी कभी भी मानसून होता है हमेशा लैंड स्लाइड्स की स्थिति बनी रहती है लेकिन हम लोगों ने हमारी जो टीम है मैं उनको बिल्कुल उनकी शुभकामनाएँ मतलब इस देश की है कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में इस चीज़ को काम किया है सर अगर हम देखें तो आप लोगों ने हर जगह ऑफिस में लिख रखा है कि दिसंबर 2022 तक आप ये यानी टारगेट है हमारा कम्प्लीसन डेट है तो पूरा हो जाएगा दिसंबर 2022 तक देखिए हमारी टीम पूरी दिन रात मेहनत कर रही है और जो भी तय सीमा हम लोगों के लिए तय की गई है पी के द्वारा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम काम को कम्प्लीट करें आपका ढेर सारा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तमाम एजेंसियाँ लगी हुई हैं और ख़ास तौर पर इरकान की बात करें जो उनके उनके लिए जो तय किया हुआ रूट है उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और यहां पर हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन संगलदान